a uniform cylinder of length L and mass M is having cross-sectional area A, is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring. कोई मासलेस स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उससे एक सिलेंडर लटका हुआ है. ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम लेंथ एल cross-sectional area E, ये वाला area A है, is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged. Half जो है ये liquid के अंदर है. इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो के बराबर है. एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस व्हेन सिलेंडर इज गिवन ए स्मॉल पुश, इसको नीचे ले जाते हैं पुश वाई या एक्स, एक्स नीचे ले जाते हैं एंड रिलीज. तो ये ऐसे ओसिलेट करता है, स्टार्ट ओसिलेटिंग वर्टिकली विद ए स्मॉल एम्पलीट्यूड इन अ फोर्स कॉन्स्टेंट के हो, तो हमें इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है कितनी होगी. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे देखें तो इसका वेट जो है, इसका फिल्म डायग्राम बनाए, वेट जो नीचे एक्ट कर रहा है, पॉइंट फोर्स जो है अपवर्ड एक्ट कर रही है, स्प्रिंग फोर्स जो है स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग फोर्स जो है ऊपर लग रही है, के एक्स नोट. ठीक है, बाइंड फोर्स निकालनी है, वो क्या होगी वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसका आधा. वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू एल बाई टू, ये वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इसके बराबर होगी एम जी जो है नीचे एक्ट कर रहा है, बाइंड फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, के एक्स बॉडी रेस्ट पे है, तो के एक्स नोट प्लस बाइंड फोर्स वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी. अब इसको हम एक्स जो है पानी के अंदर ले आते हैं, तो बाइंड फोर्स क्या होगी, जो इसको एक्स नीचे ले जाएंगे, ये पानी का लेवल था, इसको हमने एक्स नीचे लेके चले गए, तो ये वाली जो लेंथ है वो किसका एल बाय टू प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी. स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग जो फोर्स होगी वो क्या होगी, के एक्स प्लस एक्स नॉट, इसके बराबर होगी. इसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो सेम ही रहेगा. बाइंड फोर्स क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बाइंड फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, न्यू बाइंड फोर्स जो है एरिया इंटू एल बाई टू इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये न्यू वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी. नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी होगी, एम जी माइनस बी डैश माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, इसके बराबर होगी एम जी प्लस बी, बी जो है वो किसके बराबर है, ए एल बाई टू प्लस एक्स रो जी, इसके बराबर है माइनस के एक्स नॉट. जो b था वो हमारा किसके बराबर था, ए एल बाय टू रो जी के बराबर था, ए एल बाय टू रो जी एम जी, एम जी जो है माइनस की टर्म जो आ रही है, ए एल बाय टू रो जी माइनस के एक्स नोट, या इसको इधर ले जाओ जीरो के बराबर हो जाएगा. तो
तो हमारे पास बचा रो जी एक्स माइनस रो जी एक्स माइनस के एक्स, ये बचा वो किसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है तो माइनस रो जी गड़बड़ कर देना मैं एल बाई एरिया, यहाँ पे एरिया भी आ जाएगा या तो ए इंटू एक्स होगा रो जी ए आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस के इंटू एक्स अपॉन मास, ये हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन जो एक्स के प्रोपोर्शनल है मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी। तो टू पाई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसका अंडर रूट क्या होगा ओमेगा के बराबर होगा, तो ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ओमेगा जो है अंडर रूट दिस वो ओमेगा के बराबर होगा, टू पाई न्यू टू पाई जो है नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा वन अपॉन टू पाई के प्लस रो जी अपॉन एम इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ओमेगा जो है वो किसके बराबर है रो जी ए प्लस के अपॉन एम अंडर दी रूट, वो किसके बराबर है टू पाई न्यू के बराबर है, इसको नीचे ले जाए तो हमारे पास क्या होगा न्यू आ जाएगा, आंसर चॉइस क्या होगी बी होगी।